स्वागत करता हूं मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग के अंदर। और आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं हूं जहां पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरीके का व्यक्ति वहां आ सकता है। आप लोग सोच करके थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे, ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। कमल मंदिर को यहाँ आकर के मुझे पता चला कि बाहाई मंदिर भी कहा जाता है। और बाहाई मंदिर वो लोग कहते हैं जो लोग आकर के बाहाई धर्म को भी जान पाते हैं। बाहाई धर्म बहुत ही अच्छा धर्म माना गया, जो मैंने पढ़ा उसके बारे में, जो यहाँ आके मैंने समझा। तो इसके अंदर 27 पंखड़ियाँ हैं और 27 पंखड़ियाँ होने के साथ साथ इसमें 9 गेट हैं। वो 9 गेट इस कारणवश रखे गए हैं, 9 जो अलग अलग धर्म के भगवान हैं उन सबको एक दिखाया गया, क्योंकि अगर एक है, हम सब एक की संतान है। अपनी गेट के पास में नीचे की साइड 9 तालाब हैं और 9 तालाब जो हैं वो आपके सामने दिखा रहे हैं। एक ये तालाब है जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, और इसको तालाब रखने का कारण ये था कि ताकि इसके अंदर ठंडक बनी रहे। जैसा कि आपने देखा ही है, कमल का फूल हमेशा बहुत ज़्यादा पानी में, मिट्टी में या कीचड़ में वो फलता फूलता है, तो उसी तरीके से इसके साइड में चारों तरफ 9 के 9 तरफ इसके पानी रखा गया। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अंदर गया, अंदर जाकर के मुझे बहुत ही ठंडा फील हुआ। और मुझे क्या, सभी लोगों को ठंडा फील होता है, क्योंकि ये संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, बहुत अच्छा ये बना हुआ है। और बहुत ही शांति से इसके अंदर बैठा जाता है और जाकर के अपने ईश्वर को याद किया जाता है। तो जब भी आप यहाँ आए तो पहले इंस्ट्रक्शन मिलता है। इंस्ट्रक्शन क्या मिलता है कि आप अपने मोबाइल को बंद रखें और साथ में कोई भी यहाँ अंदर जाके वीडियोग्राफी ना करें। तो वैसे तो मैं बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अनवांटेड होती है, पर यहाँ आके मुझे चीज़ें समझ में आई। भाई, आप अंदर जाओगे तो अंदर जाके प्रेयर करना और प्रेयर करने के साथ कोई भी वीडियोग्राफी ना करना। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हर एक व्यक्ति अपने भगवान से कनेक्ट कर पाएगा। बताऊँ आपको, यहाँ पर 2500 लोग एक साथ आ सकते हैं और उनको यहाँ पर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। और साथ में आप देख भी रहे होंगे भीड़, पीछे बच्चे बड़े सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं इस पार्क का भी, क्योंकि इसके आसपास बहुत बड़ा पार्क रखा गया है। उस पार्क में हर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, क्योंकि या कुछ ऐसे लोगों की गलत आदतों की वजह से आज इन घासों में कोई भी व्यक्ति नहीं जा पाता, क्योंकि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब यहाँ बिल्कुल बंद है। वो पार्क ना है, इधर आ जाओ। दोस्तों, अगर आपकी कोई विश हो और आप वो विश चाहते हो कि आपकी वो पूरी हो जाए, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मानना रहा है कि यहाँ पे सिक्के डालने से वो आपकी विश पूरी हो जाती है। तो आप देख सकते हो, पानी के अंदर तक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे सिक्के पड़े हुए, अनगिनत सिक्के पड़े हुए, और इनको कोई निकालता भी नहीं है, और ये ऐसे ही पड़े हुए, जब भी सफाई होती होगी तभी ये निकलते होंगे। साथियों, लोटस टेम्पल जो है 1980 में बनना स्टार्ट हुआ और 1985 में जाकर के कम्प्लीट हुआ। और आपको एक बात बता दूं कि इस मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, ना ही किसी भगवान की कोई फोटो लगी हुई है। यह मंदिर सभी धर्मों और मानवता की एकता को समर्पित है। और यहाँ जैसे कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और उसके बावजूद भी उसको पवित्र माना जाता है, और साथ में वो बिल्कुल साफ होता है और पूजा के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इसका जो आकार है वो कमल का मंदिर का रखा गया। यहाँ आने वाले व्यक्ति बाहाई धर्म के बारे में भी जान पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहाई धर्म को सही तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सभी लोगों को समझाते हैं और उसकी बारीकियाँ बताते हैं। कमल मंदिर के अंदर बात करना व शोर मचाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी यहाँ आओ तो आ करके आने के लिए आपको सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका जो रहेगा मेट्रो रहेगा। और मेट्रो में आएंगे तो नेहरू प्लेस सबसे क्लोज यहाँ पे स्टेशन है इसका, और वहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस की दूरी पे आपको ये कमल मंदिर पड़ेगा, जिसको बाहाई मंदिर भी कहा जाता है। जैसा कि मैं पूरी वीडियो में बताता हुआ आया हूँ कि बाहाई मंदिर साथ में कमल मंदिर दोनों एक ही है, उसके नाम अलग है बस। सो दोस्तों, जब भी आप यहाँ आओगे तो मंडे के दिन आप मत आना, क्योंकि मंडे को यहाँ हमेशा क्लोज मिलेगा। और साथ में आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ जो टाइमिंग है, सर्दियों की टाइमिंग बिल्कुल अलग है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक टाइमिंग है। और साथ अगर आप गर्मियों में आते हो तो गर्मियों में आप सुबह 9 बजे से 7 बजे तक यहाँ रुक सकते हो, क्योंकि शाम के टाइम जो कमल मंदिर है वो और भी सुंदर नज़र आता है लाइटिंग के साथ।